हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के और भी वीडियो देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडल शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा एरिस्टोटल के बारे में जान लेते हैं। एरिस्टोटल 384 से 322 BC, मींस इनका जो बर्थ हुआ था 384 BC में हुआ था और जो इनकी डेथ हुई थी 322 BC में हुई थी, वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ राइटर बॉर्न इन सतगिरा नॉर्थन ग्रीस, जो कि एक फिलोसोफर थे और एक राइटर थे और जन्मे थे ग्रीस में, सतगिरा में। ही वॉज ऑल्सो अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ किंग ऑफ मैसेडोनिया के टीचर थे, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ही वॉज अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग ऑफ मैसेडोनिया। ही स्टडीड फिजिक्स, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉज प्रपोज बिफोर 300 BC, जो कि 300 BC पहले प्रपोज कर दिया गया था। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग ऑल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जितने भी अभी तक मॉडल बने हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ याद रखनी है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ओकेजन एंड इफेक्ट। ठीक है, पहला क्या है, स्पीकर, दूसरा है स्पीच, तीसरा ओकेजन, फोर्थ इज ऑडियंस एंड फिफ्थ इज इफेक्ट। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है मेनली फोकस करता है स्पीकर एंड स्पीच पर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये हमारा स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, मींस यहाँ पर जो स्पीकर होगा वो हमारा एक्टिव पर्सन कहलाएगा, बाकी सभी क्या कहलाएंगे, पैसिव कहलाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल, या स्पीकर इज एक्टिव वेयर ऑल अदर्स पर्सन आर इनएक्टिव। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 5 एलिमेंट्स। स्पीकर मीन्स पर्सन जो स्पीच को डिलीवर कर रहा है उसे कहते हैं स्पीकर। स्पीच जो चीज़ डिलीवर की जा रही है वो होती स्पीच। एंड ओकेजन, आप कोई स्पीच किसी ओकेजन पर देंगे, जैसे रैली है तो रैली के ओकेजन पर देंगे। ठीक है, तो ओकेजन क्या हो गया, रैली। ऑडियंस जो उस भाषा को, जो उस स्पीच को सुन रहा है वो हो गए ऑडियंस। एंड इफेक्ट, उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उस जो स्पीकर है वो स्पीच दे रहा है, उस स्पीच से ऑडियंस पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसे कहते हैं इफेक्ट। ठीक है, आगे यार इसके बाद देखते हैं, हाईली यूज टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे ज़्यादा यूज़ होता है, मीन्स जैसे कहीं पर हमें रैली करना है तो वहाँ पर हमें कौन सा मॉडल यूज़ होता है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यूज टू क्रिएट प्रोपेगेंडा, और कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, किसी के बारे में कुछ क्रिएट करना है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ लेस फोकस्ड इन इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये लेस फोकस करता है, ज़्यादा नहीं फोकस करता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। स्पीकर मस्ट हैव वेरी गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस लाइक आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो स्पीकर उसके पास वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होना अनिवार्य है, तभी ताकि वो ऑडियंस से अच्छे से इंटरेक्ट हो सके। जब आप ऑडियंस से अच्छे से इंटरेक्ट हो सकेंगे तो आपका कम्युनिकेशन क्या रहेगा, वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो स्पीकर के साथ के पास वर्बल के साथ नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो भी होना अनिवार्य है, जैसे आई कॉन्टैक्ट। नॉन वर्बल क्या हो गया, आई कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट है। अगर कोई गुड कम्युनिकेटर है तो उसके पास 3 एलिमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है इथोस, नेक्स्ट इज पैथोस एंड थर्ड इज लोगोस। ये 3 एलिमेंट है तो वो एक गुड कम्युनिकेटर कहलाएगा। इथोस का मतलब होता है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि स्पीकर को क्रेडिबल बनाए इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, मीन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स स्पीकर क्रेडिबल इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो जैसे क्रेडिबिलिटी टू द स्पीकर। ठीक है, मीन्स जो स्पीकर है उसके पास
एक पोजीशन होनी चाहिए, उसके पास एक्सपर्ट होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया सिक्स क्लास के लड़के से कि ट्वेल्थ क्लास का डाउट सॉल्व करे, वो नहीं सॉल्व कर पाएगा क्योंकि उसकी पोजीशन उस लायक नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है डाउट सॉल्व करने पर। तो मतलब जो स्पीकर होना चाहिए उसका इथोस होना बहुत ही कंपलसरी है। दूसरा है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है कि जो स्पीकर है वो कितना ऑडियंस से कनेक्ट हो पा रहा है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि जो स्पीकर है वो ऑडियंस के भाषा में ही बात करे, जिस भाषा में ऑडियंस समझती है उसी भाषा में वो बात करे। तो पैथोस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटर। देन नेक्स्ट इज लोगोस। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर आप बिना लॉजिक के बात कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो लोगोस का मतलब हो गया लॉजिक। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कह दिया कि हम पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, जैसे इसमें पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आपने कहेंगे हम पेट्रोल का दाम कर देंगे, कम कर देंगे, तो कैसे कम करेंगे उसको आपको लॉजिक देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा हमारा लोगोस। सभी मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, तो इसमें जानते हैं कि एरिस्टोटल मॉडल के कौन कौन से क्रिटिसिज्म हैं। पहला है देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है जहाँ पर सिर्फ एक्टिव पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है, बाकी सभी पैसिव पर्सन होते हैं। जो ऑडियंस होती है वो भी पैसिव होती है, इसीलिए यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ वन वे फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस, और यहाँ पर जो मैसेज है सिर्फ वन वे चलता है, मीन्स स्पीकर से ऑडियंस की तरफ, बाकी ऑडियंस कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर लाइक नॉइज एंड बैरियर्स। जो भी कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन फेलियर जैसे नॉइज हो गया, बैरियर्स हो गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कम्युनिकेशन फेलियर का। दिस मॉडल कैन ओनली बी यूज इन पब्लिक स्पीकिंग। इसको हम लोग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भाषण देना है तो वहाँ पर हम लोग क्या कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई रैली होती है वहाँ पर जो मॉडल लागू होगा वो कौन सा होगा, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।